हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करते हैं अगर आप किसी भी स्टेशन कोड को फाइंड करना चाहते हैं बहुत इजी तरीके से फाइंड कर सकते हो। दोस्तों, जैसे कि आप जब भी IRCTC पर अपनी किसी भी जगह ट्रेन बुकिंग करते हो उस टाइम हर एक स्टेशन का स्टेशन कोड बना होता है। उस स्टेशन कोड को कैसे आपको जानना है या फिर आप जानना चाहते हो कि कौन से स्टेशन का कौन सा कोड है, तो आप बहुत ही ईजी तरीके से जान सकते हो। दोस्तों, इसका सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ पे अब जब भी टिकट बुकिंग के टाइम पे आता है दोस्तों, शॉर्टकट स्टेशन कोड होते हैं। जैसे कि मैं बता दूँ आपको, जैसे गोरखपुर को मान लीजिए, तो गोरखपुर का आपको शॉर्टकट जो है GKP होता है। जैसे मैं GKP में डालूंगा, आपका यहाँ पे गोरखपुर शो हो जाएगा। तो इसी तरीके से हर एक स्टेशन का स्टेशन कोड बना होता है, उसी स्टेशन कोड के माध्यम से आप डायरेक्टली उस जगह पर उसको फाइंड कर सकते हो। तो कभी कभार आप डायरेक्टली नाम लिख देते हो स्टेशन का, उससे भी आ जाता है, लेकिन कभी कभार जो है आपको स्टेशन कोड के माध्यम से उस स्टेशन को फाइंड करना पड़ता है। तो ऐसे में आपको किस तरीके से पता करना है स्टेशन कोड क्या है वहाँ का, तो मैं बताऊँगा आपको बहुत ईजी तरीके से आपको स्टेशन कोड कैसे निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ओपन करना है गूगल। गूगल पे ओपन करने के बाद सिंपली आपको जहाँ का भी स्टेशन कोड फाइंड करना है दोस्तों, तो वहाँ का स्टेशन का नाम यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे गोरखपुर लिख देता हूँ, और उसके बाद गोरखपुर लिखने के बाद आपको स्टेशन कोड लिख देना है सिंपली। और स्टेशन कोड लिखने के बाद सिंपली आपको सर्च कर देना है जहाँ का भी आप लिखना चाहो, जहाँ का भी फाइंड आउट करना चाहो। तो सिंपली यहाँ पे सर्च होना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, सिंपली यहाँ पे स्टेशन कोड हमने फाइंड कर चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं गोरखपुर जंक्शन, और यहाँ का जो स्टेशन कोड है, स्टेशन कोड इज़ GKP। आप देख सकते हैं गोरखपुर जंक्शन, स्टेशन कोड इज़ GKP। इसी तरीके से जहाँ का भी चाहो आप वहाँ का स्टेशन कोड फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सिंपली, जैसे अगर मान के चलिए हमको यहाँ पे, जैसे मैंने गोरखपुर लिखा, लेकिन यहाँ पे हमको चाहिए अगर दिल्ली का, तो किस तरीके से हम निकलेंगे। तो सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे दिल्ली लिख देना है। जैसे आप दिल्ली लिखेंगे यहाँ पे आ जाएगा, यानी किसी ऑल इंडिया ओवर में कहीं का भी किसी भी स्टेशन का यहाँ पे चाहिए वो आप यहाँ पे कर सकते हो। जो DLIA दिल्ली का है, यानी ये जो पुराना दिल्ली बोलते हैं उसका, यहाँ पे उस स्टेशन का है। लेकिन अगर आपको न्यू दिल्ली का चाहिए तो क्या करना होगा, तो सिंपली आपको क्या कर देना है, न्यू दिल्ली टाइप कर देना है। उसके बाद आपको सर्च कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया, और यहाँ पे देख सकते हैं न्यू दिल्ली का जो है NDLS होता है। तो NDLS जैसे करेंगे तो आपको यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली आपके सामने NDLS करता हूँ, देखिए NDLS करूँगा IRCTC पे। तो यहाँ पे NDLS का न्यू दिल्ली आ गया, और सिंपली यहाँ पे अगर सिर्फ हमको DLI करना है, तो ये पुरानी दिल्ली है, ठीक है, जो पुरानी दिल्ली बोलते हैं वहाँ का है। इसी तरीके से ऑल इंडिया में कहीं भी किसी भी स्टेशन का आपको स्टेशन कोड जानना है अगर दोस्तों, तो इसी तरीके से आप सिंपली बहुत ईजी तरीके से आप स्टेशन कोड फाइंड कर पाओगे और अपनी जो है यहाँ पे टिकट को बुक कर पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे हमेशा आते रहते हैं। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लाइक करें। बस आज का वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।